अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। प्रबंध न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शहर के कोतवाली पुलिस थाने के हद में आने वाले दो फंक्शन हॉलों पर पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी और मनपा के कर्मचारियों ने मिलकर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला। शादियों के लिए 16 लोगों की इजाजत लेकर शादी किए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ब्रेक द चैन के तहत मई महीने से परवनी जिले के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने सात रोग प्रतिबंधकात्मक कानून 1897 के तहत अधिकार को लेकर परवनी जिले के भीड़ भाड़ वाले जगहों पर बंदी लगा दी है। उसी में शादी खानों पर पाबंदी लगाई गई है। तारीख 23 मई 2021 रविवार के रोज परवनी के दरगाह रोड इलाके के मास्टर कैफे में और पारवा रोड इलाके के महबूब फंक्शन हॉल में कोतवाली पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने फंक्शन हॉलों पर जाकर छानबीन की और वहाँ के पर शासन के बिना इजाजत और आदेश के ज़्यादा नागरिक जमा कर प्रोग्राम किए जाने पर मास्टर कैफे को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया तो महबूब फंक्शन हॉल को 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। और महानगर पालिका के आयुक्त ने इन दोनों को फंक्शन हॉलों को सूचना दी है कि दूसरी बार इन फंक्शन हॉलों में रस्म या फिर शादी का प्रोग्राम बंदी के दौरान होने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और फंक्शन हॉलों को सील लगाया जाएगी, ऐसी सख्त ताकीद की गई है। इस कार्रवाई में कोतवाली पुलिस थाने के API आर सेवार, उसी के साथ रामा कदम, महानगर पालिका के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, मुकादम प्रकाश काकड़े, मोहन वागमारे अन्य शामिल थे। फंक्शन हॉल पर कार्रवाई करने से चोरी चोरी छुपके छुपके फंक्शन हॉलों में होने वाले प्रोग्राम के फंक्शन हॉलों वालों पर बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफ कुवार, एक तरफ खाई के जैसा हाल फंक्शन हॉलों का हो चुका है। फंक्शन हॉल बड़े बड़े बनाए गए हैं, लेकिन प्रशासन की जो पाबंदी लगाई गई है उससे ये लोग भुखमरी की हालत में दिखाई देते हैं। इन पर क्या कार्रवाई होगी अभी आने वाला समय ही बताएगा। आज मास्टर कैफे और महबूब फंक्शन हॉल पर कार्रवाई करने से फंक्शन हॉलों के माहौल गर्माया हुआ दिखाई देता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। पूर्णा तहसील के जीरो फाटा इलाके में अवैध मिलन नाम का मटका जुआ चला रहे ऐसी जानकारी पूर्णा पुलिस को मिलने पर तारीख 23 मई 2021 रविवार के रोज पूर्णा पुलिस थाने के API दिनेश मुड़े, इन्होंने PSI मानिक कुट्टे, जमदार अर्जुन रनखान, पुलिसकर्मी मंगेश जुक्टे, इनके पथक को वहां रवाना किया। पुलिस ने पथक जाल बिछाकर दोपहर 3:45 के दरमियान छापा डालकर मटका जुआ चलाने वाले मधुकर शिवाजी राव काले, रहने वाला एरंडेश्वर, इसे हिरासत में लेते हुए उसके पास से 5,070 रुपये के साथ मटका जुए चलाने वाली सामग्री जब्त करते हुए पूर्णा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की कार्रवाई अर्जुन रनखान कर रहे हैं। कोरोना के इस कठिन माहौल में शिव सैनिक और युवा सैनिकों ने परभनी के चारों कोविड सेंटरों पर मरीजों के परिजनों को दो वक्त का खाना उपलब्ध कराकर अपनी भाईचारगी का काम करने पर उनका सत्कार परभनी के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोकप्रिय कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निवास स्थान पर आज तारीख 23 मई रविवार के रोज विधायक राहुल पाटिल के हाथों सत्कार किया गया। कोरोना के इस कठिन और अत्यंत जरूरत के समय शिव सैनिक और युवा सैनिक इनके मेहनतों से परभनी शहर के चारों कोविड सेंटरों में कोरोना के बीमारी में घेरे हुए मरीजों के परिजनों को भुखमरी की सामना न करना पड़े ऐसे हेतु को रख देखते हुए दो वक्त का खाना उपलब्ध कराकर दिया गया। और शिव सैनिक युवा सैनिक इन्होंने एक वक्त की भी लापरवाही ना करते हुए हर रोज वही उत्साह के साथ आज के तारीख तक काम का अंजाम देते रहे। यही काम ईमानदारी के साथ और उत्साह के तौर पर करने वाले उन शिव सैनिक और युवा सैनिक का मनोबल और बढ़ाने के खातिर काम करने वाले उन योद्धाओं का आज तारीख 23 मई 2021 रविवार के रोज विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों सत्कार किया गया। इस समय डॉक्टर विवेक नावंदर, गणेश घाड़के, दिलीप गिराम, नवनीत पाजपुर, अरविंद देशमुख, संभानाथ काले, ऋषिकेश सावंत, चंदू झिंदे, अनिल ढाड़े, गौतम भराड़े, स्वप्निल भारती, सुभाष जोंदड़े, बाला साहेब गोड़बोले, बाला साहेब खिस्ते आदि मान्यगण हाजिर थे। इस समय विधायक राहुल पाटिल इन्होंने सभी को कोरोना के इस महामारी को हराने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हुए सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन ने दिए हुए सूचनाओं का पालन करें ऐसा आह्वान किया। आता ज्या पूरा मार्गचा पूरा पूर्ण केलेला आहे, त्यानंतर यवा डिस्ट्रिक्टपासून येणारा त्यांनी जे भोजनाची व्यवस्था आम्ही तिन्ही कोविड सेंटरवर केली होती, जिल्हा परिषद असेल, IKA असेल किंवा सिव्हिल हॉस्पिटल असेल, या ठिकाणी गेल्या एक मेपासून जेवणाची व्यवस्था आम्ही जे काही रुग्णाचे नातेवाईक आहेत त्यांच्यासाठी सकाळ संध्याकाळ आम्ही व्यवस्था केली होती। अतिशय चोख व्यवस्था या निमित्तानं झालेली आहे, सगळीकडे त्यांची प्रशंसना होत आहे। अशा वेळेस आम्ही सुद्धा त्यांचा सत्कार करावा अशा प्रकारची आमची सगळ्यांची मागणी होती।
आणि म्हणून आज त्यांचा जरी या शुभकार्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. आणि सर्व शिवसैनिकांचा आनंद सत्कार करण्यात आला. समाजाच्या विविध भागामध्ये काही अडचणी आल्या तर शिवसैनिक हा धावून जातो. अशा वेळेस तुमचा सुद्धा सन्मान झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून आमचा हा मानव तहसील स्थित खरबा शिवार के अत्यंत जरूरत का और मानव शहर को जोड़ने वाला पुराना मानव और खरबा रास्ते के मजबूतीकरण का काम का उद्घाटन परभनी के जिला परिषद सदस्य एवं परभनी के मार्केट कमेटी के सभापति शमशेर भैया वरपुलकर इनके हाथों किया गया. इस समय पूर्व जिला अध्यक्ष बालकिशन चांडक और बाला साहेब लारी, आसाराम निर्वल, प्रभाकर जाधव, खरबा के सरपंच अमोल भैया निर्वल, सुनील दादा पाते, मानव कांग्रेस के शहर अध्यक्ष श्याम भाव चौहान, आनंद मामा भदरगे, अब्दुल रहीम अब्दुल करीम, दीपक कतरोवार आदि मान्यगण और नागरिक मौजूद थे. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनके पुण्यतिथि के अवसर पर और महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्याताई इसी के अलावा अफजोर परिणीताताई शिंदे इनके आदेश के तहत मदद का एक निवाला के तहत तारीख 22 मई 2021 को रोज प्रदेश पदाधिकारी मलिका गफ्फार, शशिकला चौहान और शुभांगी सिसोदिया इन्होंने खाना तैयार कर खाने के पैकेट जिला सरकारी अस्पताल के जरूरतमंदों को बांटे. उसी तरह शनि मंदिर और अन्य मंदिरों के पास बैठे हुए जरूरतमंदों को बांटे गए. इस दौरान मास्क का भी वितरण किया गया. पुलिस ने 4 लाख रुपए के गुटके के साथ एक आरोपी को शिकंजे में कसा है और दो फरार होने में कामयाब हुए. बोरी पुलिस ने तारीख 23 मई 2021 रविवार की रात 2 बजे के दरमियान जाल बिछाकर कौसड़ी रास्ते के संभाजीनगर इलाके में छापा मारकर 3,96,000 रुपए की गोवा गुटके की सामग्री के साथ जब्त किया और एक को हिरासत में लिया है तो दो आरोपी स्कॉर्पियो लेकर फरार होने की बात सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक बोरी स्थित कौसड़ी रास्ते के संभाजी नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में गुटके का जखीरा होने की जानकारी मिलने पर बोरी पुलिस ने रात के समय जाल बिछाकर अचानक छापा मारा और गुटके के बड़े पैमाने पर जमा किया हुआ माल जब्त कर एक को हिरासत में लिया है. ये कार्रवाई PI सुभाष चंद्र मारकड़, सुनील कटारे, शेख अतीक, श्याम भैरट, उमेश लगड़, फारूक खान उन्होंने जाल बिछाकर काम को अंजाम दिया. पुलिस ने अपराधी का नाम बताया नहीं है इसलिए उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है काम आदमी का औरों के काम आना. इस स्लोगन को लेकर यशस्विनी ग्रुप के तुषार भाव चौबे करके कोशिशों से ये काम सराहनीय किया जा रहा है. तो यशस्विनी ग्रुप की ओर से रोज 2 वक्त का खाना भिखारियों को खिलाया जा रहा है. उन भिखारियों के पास पैसा तो है लेकिन खाना खाने के लिए अब होटल बंद होने के कारण वो भुखमरी की हालत में दिखाई देते हैं. ऐसे भुखमरी की हालत में दिखाई देने वाले फकीरों को, भिखमंगों को उनको ढूंढ कर उन्हें खाना खिलाया जाता है. ये काम यशस्विनी ग्रुप के तुषार भाव चौभाकर इनके कोशिशों से ग्रुप में मकरन कुलकर्णी, संदीप पांगरकर, यशस्विनी ग्रुप के पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे हैं. इन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं. हमारे प्रतिनिधि क्या बताया. रोज अन्नधान्य वाटप करता आम्ही सर्व गोरगरीब भिकारी रोज अन्न 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 जेवण सेवन करतो त्यामुळे आमची थोडी अन्नाची टंचाई बिलकुल दूर झालेली आहे. तरी सेवन ग्रुपच्या वतीनं मी त्यांचे अत्यंत आभारी आहो आणि त्याचे आभार मानतो. परभणी शहरातील विविध भागात यशस्वी ग्रुपतर्फे एकदम अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम, गरजू लोकांना जेवण, 2 टाईमचं जेवण यशस्वी ग्रुपतर्फे दिलं जाते. परभणी शहरात उत्कृष्ट असं काम यशस्वी ग्रुप असं करत आहे. माझी परभणी शहरातील विविध ग्रुपला, संघटनेला विनंती आहे, यशस्वी ग्रुपचा एक आदर्श ठेवून तुम्ही पण समोर या आणि गरजूंची मदत करा. जगावर सध्या कोरोनाचं संकट गेल्या 1.5 ते 2 वर्षापासून आहे आणि याच कोरोनामुळे हे आपले जे भाऊ बांधव आहेत ज्यांना ज्यांचं हातावर पोट आहे किंवा ज्यांना कोणीच वाली नाही अशांचंही त्यांचीही जेवणाची व्यवस्था व्हावी किंवा त्यांनी उपाशी राहू नये जसं की आपणही जेवण करतो त्यांनाही पोट आहे ते त्यांनी पण राहावं. याच उद्देशाने आम्ही गेल्या 2 महिन्यापासून आम्ही यशस्विनी ग्रुपच्या मार्फत जेवण वाटप करत आहोत ज्याच्यामध्ये मकरंद कुलकर्णी आहेत, संदीप पांगरकर आहेत, कौस्तुभ सनपूरकर आहेत, चैतन काळे आहेत, अक्षय गायकवाड, अनुपम ढोले, संकेत पानसे असे माझे सगळे आमचे यशस्विनी ग्रुपचे मेंबर आम्ही गेल्या 2 महिन्यापासून अन्नदान वाटप करत आहोत. ज्याच्यामध्ये काही पडद्यामागचेही आमचे सहकारी आहेत पण त्यांचं म्हणणं आहे की आमचं नाव कुठं आलं नाही पाहिजे पण त्यांचेही मनस्वी धन्यवाद आणि जे आम्हाला सहकार्य करत आहेत त्यांचे खूप मनस्वी धन्यवाद. या जागतिक महामारी कोरोनामध्ये यशस्विनी ग्रुपच्या वतीने मागील 2 महिन्यापासून आम्हाला सर्वांना सुचलेली संकल्पना की आपण गरजू लोकांना जीव घातलं पाहिजे, न जेवता कोणीही आपल्या परभणीमध्ये झोपू नये. आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केला त्याच्यामध्ये हे काय भिकारी नाहीत, यांच्या खिशात आज पैसे आहेत,
यांच्या खिशात आज 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये पण त्या प्रत्येकाजवळ पैसे आहेत, पण हॉटेल सुकले नाहीत. नाही तर आपण तरी भजे कधीतरी 8 दिवसाला 15 दिवसाला एकदा खातो, हे दर 2 दिवस आड भजे खाऊ शकतात. पण यांना हॉटेल्स बंद असल्यामुळे यांच्या खायची उपासमारीची यांचा खूप मोठा प्रश्न होता. तर संकल्पना सरकार यांनी ते पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही सगळेजण एकत्र आलो आणि आज जे पोटभर जेवायले त्याचा एक आनंद खूप वेगळा आहे. आता तुम्ही सुद्धा आज आलेले, तुमच्या हस्ते सुद्धा आम्ही वाटप केलेले. आम्ही इथं अन्नधान्य आणतो, आम्ही या शिजवलेलं अन्न इथं आलं. कोणाचा वाढदिवस आहे तर आम्ही त्यांना विनंती करतो, बाबा तुम्ही या, इन्वॉल्व्ह व्हा, कारण हे कार्यक्रम खूप मोठा आहे. आता कोरोनाचं कधी संपणार आहे हे तुम्ही आम्ही सांगू शकत नाही, त्याच्यामुळं आपल्याच्यानं जेवढं होत आहे. आणि आमची कळकळीची विनंती आहे या पूर्ण समाजातील ज्यांना काहीतरी आहे, ज्यांना नोकरी आहे त्यांना काहीतरी हातभार आहे काय, तर त्यांनी पण कोणाला काय करायचं आहे, कोणाला दान करायचं आहे, कोणाला काय करायचं आहे, तर ते जर आपण आग्रह करू शकत नाही. आमची फक्त विनंती राहणार आहे की आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहेत, तुम्ही सोबत जुडा किंवा तुम्ही काम चालू करा, आम्हालाच तुम्ही येऊन मिळाले पाहिजे असं काय नाही. आपली एकच प्रामाणिक इच्छा आहे आमच्या पूर्ण यशस्विनी ग्रुपची की रेल्वे स्टेशन असू, शनी मंदिर असू, बस स्टँड असू, सिव्हिल हॉस्पिटल असू, एक टायमिंग ठरलेला असते संध्याकाळी 7 ते 9. आमचा डब्बा 9 साडे 9 पर्यंत टिकते. बाबा कोणी रस्त्यानं आमचा जो डबे उरले तर आम्ही रस्त्यावर सुद्धा विचारतो, बाबा जेवण राहिले का, राहिलं जेवण त्यांना जेऊ घालणे. आमच्यासोबत पाणी असते, तुषारची गाडी आहे, कौस्तुभची गाडी आहे, गाडीमध्येच आम्ही सगळेजण असतो. न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.